को समझने के लिए पहले भी क्या समझना है, इंटरफ्रेंस शेड्यूल। इंटरफ्रेंस शेड्यूल जब हम समझ जाएंगे तब हमें समझ में आएगा कि इंटरफ्रेंस कर्व कैसे बनता है। बेसिकली क्या होता है कि इंटरफ्रेंस शेड्यूल जो होता है वो टेबुलर फॉर्म में होता है। कैसा होता है? टेबुलर फॉर्म में। ये टेबल्स बनी हुई जिसमें हमारे कुछ कॉम्बिनेशन दिए गए हैं। वो कॉम्बिनेशन किसके हैं? फूड के हैं, क्लोदिंग के हैं। और उसी के साथ हमें एक और चीज पढ़ने को मिलेगी, जो पढ़ने को मिलेगी MRS, जिसे बोलते हैं मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। बेसिकली है कि कंज्यूमर क्या होता है, रैशनल होता है। वो अपने जो अपने कॉम्बिनेशन बनाता है वो रैशनली बनाता है, और उन कॉम्बिनेशन को वो रैंक करता है अपने अकॉर्डिंग। रैंक करता है अपने अकॉर्डिंग, उनको रैंकिंग ए बी सी डी जो ये कॉम्बिनेशन। सबसे पहले ये सब और समझना है कि इंडिफरेंस कर्व बेसिकली क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। कितने? कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। एक हमारे पास है फूड और एक है क्लोथ्स। एक अब कंज्यूमर क्या करेगा कि वो उन्हीं में से कई सारे कॉम्बिनेशन बनाएगा जो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करेंगे। क्या? सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करेंगे। चाहे वो ए कॉम्बिनेशन ले, चाहे वो बी ले, चाहे वो सी ले, चाहे वो डी ले, हर इसमें जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, कॉम्बिनेशन ए बी सी डी, सब उसे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करेंगे। तो बेसिकली सेम लेवल सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड तो करेंगे, बट इनकी रैंकिंग कंज्यूमर अपने अकॉर्डिंग कर सकता है कि कौन सा उसको हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रहा है और कौन सा उसको लोअर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। तो इसमें मैं आप सिखाता हूँ कि कॉम्बिनेशन ए जब हम इसको पढ़ते हैं तो इसमें क्या है कि एक यूनिट फूड की ले रहा है और 12 यूनिट क्या कर रहा है, क्लोथ्स की ले रहा है। फिर कॉम्बिनेशन बी में क्या कर रहा है कि एक यूनिट यहाँ पे एडिशन करता है फूड में। कितनी? एक यूनिट फूड की एडिशन करता है, तो यहाँ पे क्लोथ्स की 6 यूनिट को क्या करता है, एक्सचेंज करता है। 6 यूनिट को क्या करता है, एक्सचेंज करता है। जो ये नेक्स्ट इनकी यूनिट जो एक्सचेंज हो रही है उसमें 6 यूनिट जो यहाँ का डिफरेंस आता है आ रहा है, उसको हम बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। जो हम एक्सचेंज कर रहे हैं वो हम उसी को हम बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। फिर क्या कर रहा है कि कॉम्बिनेशन बी टू सी अगर जाए तो ये क्या कर रहा है कि एक यूनिट फूड की फिर क्या कर रहा है, एड कर रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करता है, यहाँ पर क्लोदिंग की 2 यूनिट एक्सचेंज करता है, 2 यूनिट एक्सचेंज कर रहा है। तो ये जो 2 यूनिट एक्सचेंज कर रहा है इसको इसी को क्या बोलते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। फिर उसके बाद फिर कॉम्बिनेशन सी टू डी जाएगा, एक यूनिट फिर यहाँ पे एडिशन किया इन्होंने फूड का और 1 यूनिट क्या किया, एक्सचेंज किया, 1 यूनिट से एक्सचेंज किया। तो ये 1 यूनिट का जो डिफरेंस है ये हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो आपको ये समझ में आया होगा कि फूड की एक एक यूनिट को ऐड करते जाएंगे हर कॉम्बिनेशन में, और हमारा क्लोथिंग का जो एक एक यूनिट से एक्सचेंज करते जाएंगे, जो भी डिफरेंस आया है, 6 यूनिट से एक्सचेंज किया, फिर 2 यूनिट से एक्सचेंज किया, फिर 1 यूनिट से एक्सचेंज किया, तो ये जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या हम आपसे बोलते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इसके बाद ये आपको समझ में आना कि इंडिफरेंस कर्व बनाने के लिए क्या होता है कि कॉम्बिनेशन चाहिए होते हैं जो हमें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करें। चलिए हम आगे शुरू करते हैं कि इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज क्या होती है। नेक्स्ट में पढ़ा जाना प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस इंडिफरेंस कर्व। बेसिकली प्रॉपर्टीज हमें इंडिफरेंस कर्व से पहले हमें उसकी प्रॉपर्टीज जानना चाहिए कि उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। बेसिकली इंडिफरेंस कर्व की पहली प्रॉपर्टी है कि इंडिफरेंस कर्व क्या होना चाहिए, डाउनवर्ड स्लोपिंग होना चाहिए। अगर हम इसका ग्राफ अगर हम देखें तो ये हमारा वाई और ये एक्स और ये ओरिजिन, ये क्या कर रहा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग हो रहा है। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि इंडिफरेंस कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। फिर उसके बाद इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। तो सबसे पहले हम ग्राफ बना लेंगे, फिर उस पर हम क्या करेंगे, बनाएंगे कि इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू द
ओरिजिन, ये हमारा क्या है कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन। तो आप सबसे पहले प्रॉपर्टी क्या समझे कि इंडक्शन कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, कैसा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। फिर उसके बाद क्या है कि नेक्स्ट इंडक्शन कर्व इज कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन। फिर आइए हम थर्ड वन समझते हैं इसमें कि थर्ड वन क्या होता है कि इंडिफरेंस कर्व, ये प्लॉट कर लेंगे एक्स जीरो, इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इंडिफरेंस कर्व क्या करते हैं, कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। फिर चौथी प्रॉपर्टी क्या है, एक फिर से आपको बता देता हूं कि इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है और कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन होता है, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर होता है। एंड फोर्थ वन मैं इसको कॉम्बिनेशन दे देता हूं, ये आईसी वन है इंडिफरेंस कर्व वन, आईसी टू है, ये आईसी थ्री है। तो इसमें ये बोलता है कि लोअर लेवल ऑफ इंडिफरेंस कर्व गिव्स लोअर लेवल सेटिस्फेक्शन एंड हायर इंडिफरेंस कर्व गिव्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। जस्ट लाइक सी वन हमारा है लोअर इन कंपैरिजन टू आई सी टू, इंडिफरेंस कर्व टू की कंपैरिजन में। तो इन दोनों का अगर हम खाली देखें कंपैरिजन करें तो आई इंडिफरेंस कर्व टू क्या हमारा हायर लेवल सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर रहा है इन कंपैरिजन टू आई सी वन। बट अगर हम इसमें देखें तो इसमें क्या हो रहा है कि आई सी टू लोअर लेवल ऑफ प्रोवाइड लोअर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन एंड IC3 हमारा क्या करता है हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करता है। तो ये तुम्हारी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इनको आप नोट करिए, अगर ये ग्राफ बना के आएंगे तो बहुत ही अच्छा होगा, आपको पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे। और चलिए जल्दी से नोट कर लेते हैं, चलिए नोट करिए। इसको नोट करिए, फिर एक और मैं बताता हूं लास्ट प्रॉपर्टी। चलिए मैं यहां से ये वाला रफ कर देता हूं, ए पहला वाला रफ कर देता हूं, इसको पॉइंट दे देता हूं फाइव। होप सो आपने इसको नोट कर लिया होगा। ये प्रॉपर्टी बोलती है y x 0 इंडिफरेंस कर्व नेवर टचेस दी एक्सेस। क्या कहते हैं कि इंडिफरेंस कर्व कभी जो है एक्सेस को क्या करेगा, कभी टच नहीं करेगा। तो आपने क्या पढ़ा कि आपने पांच प्रॉपर्टीज पढ़ी, पहली आपने पढ़ी कि डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, नेक्स्ट होता है कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन होता है, थर्ड वन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर होता है, फिर कॉम्बिनेशन होते हैं जिसमें लोअर लेवल ऑफ प्रोवाइड कॉम्बिनेशन इंडिफरेंस कर्व प्रोवाइड्स लोअर लेवल सेटिस्फेक्शन एंड हायर इंडिफरेंस कर्व प्रोवाइड्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। एंड देन फिफ्थ वन आपने पढ़ा कि जो है इंडिफरेंस कर्व नेवर टचेस दी एक्सेस। बेसिकली ये आपको सिखाया जा रहा है इससे कि इंडिफरेंस कर्व को आपको बनाना कैसे है। चलिए इसको आप इस वाले को भी बना लीजिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं। इसके बाद हम पढ़ना शुरू करेंगे कि इंडिफरेंस कर्व कैसे बनता है। आप इंडिफरेंस कर्व में एक चीज को समझ ही गए होंगे कि ये कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स से बनता है। जो हमारे जैसे कि हम लोगों ने शेड्यूल पढ़ा था उस इंडिफरेंस कर्व में हमारा क्या था, पहला क्या था फूड का एंड देन कॉम्बिनेशन में था क्लोथिंग का। तो इन्हीं कॉम्बिनेशन से मिला के हम इंडिफरेंस कर्व पढ़ेंगे। तो आइए इसको मैं रफ करने जा रहा हूं, आप सब होप सो आपका ये नोट हो गया सभी का। चलिए मैं इसको रफ करता हूं। इंडिफरेंस कर्व कैसे बनता है, इंडिफरेंस कर्व बनाने के लिए ये हमारी वाई, ये हमारी एक्स और ये हमारी है जीरो, और ये क्या है इंडिफरेंस कर्व, इसको बोलते हैं आईसी, कुछ इस तरह बनेगा। अच्छा अगर प्रॉपर्टी फिर अगर हम प्रॉपर्टी रिकॉल करें तो सबसे बड़ी चीज क्या है कि पहले चेक करते हैं कि डाउनवर्ड स्लोपिंग है, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन है, और फिर उसके बाद नेवर इंटरसेक्ट एक्सेस है, एक्सेस को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, और टच नहीं कर रहा है एक्सेस को, और इंटरसेक्ट करने के लिए भी कोई इंडिफरेंस कर्व नहीं है। अगर इंडिफरेंस मैप में देखें तो सब पैरेलल कॉम्बिनेशन बने हुए हैं, आईसी वन आईसी टू आईसी थ्री, इस तरह इसमें कहीं इंटरसेक्ट भी नहीं हो रहा है, ठीक है। और बाकी हमने उसमें प्रॉपर्टीज में एक और पढ़ा था लास्ट टाइम जो थी हायर इंडिफरेंस कर्व गिव्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। फिर हम आपको एक चीज और बताने जा रहे हैं, इसको मैं रफ कर रहा हूं, इंडिफरेंस कर्व के अजम्पशंस। अजम्पशंस मैं आपको ऐसे ओरली बता दे रहा हूं कि अजम्पशंस क्या है कि हमें कंज्यूमर क्या करेगा, रैशनली अपने अजम्पशंस सॉरी कॉम्बिनेशंस बनाएगा रैशनल होके।
और फिर इसके बाद क्या है, उन कॉम्बिनेशन को उनके उसके अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए उसको रैंकिंग के लिए, कि वो उसको कैसे रैंक कर रहा है। लेट सपोज कॉम्बिनेशन ए कॉम्बिनेशन बी है, अगर ए कॉम्बिनेशन में कमोडिटीज ज्यादा है कंपैरिजन टू ए, तो उसको जो है वो हायर पे रैंक करेगा और ए को लोअर पे रैंक करेगा। तो कैपेबिलिटी ऑफ रैंकिंग होना चाहिए।